ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सुभान अल्लाह, इस वक्त को यहीं पर रोक दे मेरे मौला। दुनिया में सिर्फ मोहब्बत की हुकूमत को कायम अल्लाह। मनाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज तुम सब दिल खोल कर जश्न मनाओ, दिल खोल कर जाम पियो, क्योंकि आज का दिन हमारी फतेह का दिन है। और आज के बाद शहंशाह की सिर्फ एक बेगम खास रहेगी, रुकैया बेगम, मरियम जमानी। रुकैया बेगम जिंदाबाद। कितने जाम पी चुके हो शरीफुद्दीन? इतना पी क्यों रहे? बड़े खुश लग रहे हो भाई। बात तो खुशी की ही है। एक तरफ शहंशाह के निकाह की सालगिरह का जश्न, दूसरी तरफ रुकैया बेगम इस सल्तनत को एक वारिस देने जा रही हैं। एक ही दिन में दो दो खुशखबरियां। खुशखबरी तकलिया। वजीर आलिया बिल्कुल दुरुस्त फरमाती हैं। आदम, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा गुस्सा है। इन बांदियों की क्या गलती? ये तो सरासर बेरहमी है तुम्हारी। बेरहमी तो वो कहलाई जाएगी जब हम इस महल को उसके रहने वाले सभी लोगों को जलाकर राख कर डालेंगे। अब तक हम जलाल की जूती बने रहे, उसके रास्तों के कांटे पत्थरों को सहते रहे ताकि जलाल को चोट ना पहुंचे। अब उसका वारिस पैदा होगा। अब तक हम जलाल को सलाम करते रहे, अब उसके वारिस को आदाब करें। वाह, क्या जिंदगी है। आदम, हम अभी महल में हैं। होश में आओ। होश में तो अब आए हैं। अब तो हम अपना हक पाकर रहेंगे और इस तख्त को पाकर रहेंगे। आदम, गुस्सा दुश्मन से पहले हमें खुद को जलाता है। चलो जान पियो और अपने दिमाग को ठंडा रखो। चलो बैठो।
हमारे दिल में जलती हुई आग तब ठंडी होगी जब हमें तख्त मिल जाएगा, और अगर हमने तख्त नहीं पाया तो हम सब कुछ जलाकर राख कर डालेंगे। ऐसा किया तो हुकूमत किस पर करोगे? लाशों पर? जश्न कहां मनाओगे? कब्रिस्तान में। आदम, ये मुगल सल्तनत है, ये घोड़ों का अस्तबल नहीं कि भूसे में आग लगाई और सब कुछ जलकर राख। खुद के हाथ झुलस जाएंगे तुम्हारे। जबरदस्ती तूफान खड़ा किया हुआ है तुमने। सब्र रखो आदम, बच्चा अगर लड़का हुआ तभी तो सल्तनत का वारिस बनेगा ना। और अगर लड़का पैदा हुआ तो भी तख्त समझने में, तख्त को संभालने लायक बनने में वक्त तो लगेगा ना उसे। तब तक हमें काफी मौके मिलेंगे आदम। तब तक अपना खून क्यों खौला रहे हो? इंतजार करो। इंतजार, इंतजार, इंतजार। कब तक करेंगे हम इंतजार? अब हमसे इंतजार नहीं होता। या खुदा, थोड़ी तो अक्ल बख्शी से। सल्तनत को आग लगाने चला है, कहीं हमारी जोधा बेगम ना जल जाए उसमें। हाय अल्लाह, ये तो सब मदहोश पड़े हैं। बेगम साहिबा, जागिए बेगम साहिबा, सुबह हो गई है, जागिए। हमें सोने दो होशियार, बहुत नींद आ रही है। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, ये आपका ख्वाबगाह नहीं है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? चुप हो जाओ होशियार। अरे हाँ, हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारी आंख लग गई। वैसे काफी उम्दा जश्न था। हम जलाल के ख्वाबगाह में जाना चाहते हैं। अभी हटो। बेगम साहिबा, आपका हुक्म हो तो हम ये खबर कर दें शहंशाह को। वैसे इस समय वो सो रहे होंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम जलाल के ख्वाबगाह में बिना इजाजत के भी जा सकते हैं, क्योंकि हम बेगमें खास हैं। जलाल की औलाद को इस दुनिया में लाने वाले हैं हम। मरियम जमानी बनने वाले हैं हम। और वैसे भी अब हम जलाल के ख्वाबगाह में ही रहेंगे, उनके बेहद करीब। लाइए हुजूर, आपके बाल संवार। नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है होशिया, क्योंकि अब जलाल ही हमारे बालों को संभालेंगे और हमें भी। गुस्ताखी माफ हुजूर, हम ये जानना चाहते थे कि ये सब कैसे। होशियार, जब एक इंसान तकलीफ में होता है, तन्हा होता है, तो उसे बहलाना और भी आसान हो जाता है। गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। हम किसी में नहीं आते हैं गुस्ता, हम बेगमें खास हैं। तुम हमें रोकने की हिमाकत करोगे? ये हिमाकत हम कैसे कर सकते हैं हुजूर, मगर शहंशाह का हुक्म। मत भूलो कि हम मरियम जमानी बनने वाले हैं, शहंशाह के वारिस को इस दुनिया में लाने वाले हैं। तुम हमें रोकोगे? हाँ, शाही खानदान के खून को रोकोगे तुम? गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर आप। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सब कान खोल कर सुन लो, हम रुकैया बेगम हैं, बेगमें खास हैं हम, और हमें इस महल में कोई नहीं रोकता, याद रहे। हुजूर, हमारी आपसे इल्तिजा है कि अंदर मत जाइए। रुकिए हुजूर।
अरे मलिकाए खास, आप यहाँ? लगता है जश्न के बाद आप शहंशाह के होजरे में गई थी। क्या कहा शहंशाह ने आपके बच्चे की खबर सुनने के बाद? वो बेहद खुश हुए। अच्छा, तो इस खुशखबरी पे क्या तोहफा दिया आपको शहंशाह ने? शहंशाह ने हमें एक ऐसा तोहफा दिया जो आज तक उन्होंने किसी को नहीं दिया। इतना अहम, इतना खास, इतना दिलकश की कि हम बयान नहीं कर सकते। मोहब्बत देखकर हमारी तो आंखें भर आई। अब दिल ना जलाइए, क्या तोहफा दिया शहंशाह ने, बताइए तो सही। नहीं, उन्होंने हमें इतना खास तोहफा दिया है कि हम उसके बारे में किसी को बयान नहीं कर सकते। देखो ना, खुशी के मारे हमारे आंसू निकल आए। लगता है तोहफा इतना खास है कि जोधा बेगम ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। क्यों ना देंगे, आखिर रुकैया बेगम सबसे खास बेगम जो है, शहंशाह की सबसे पसंदीदा बेगम। बेशक, हमें उम्मीद है कि शहंशाह जोधा बेगम को भी ये तोहफा नजर करे जो उन्होंने हमें नजर किया है। लेकिन फिलहाल के लिए ये तोहफा सिर्फ हमारे लिए। चलते हैं। खुदा। विश्वास है आपको कि आप कहेंगे तो आपके शहंशाह हमारी तरफ देखेंगे तक नहीं? हाँ, अगर तुम हमारे सामने नहीं झुके तो ऐसा ही होगा। तो ठीक है, हम आपके सामने झुकते हैं, लेकिन बदले में आप अपनी बात पर अमल कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आपके शहंशाह हमारी तरफ देखे भी नहीं। खतरा है आपको बेगम जोधा से, संभालिए अपने औहदे को और अपने बचपन के प्यार जलाल को। बेगम खास, जोधा बेगम को हमारे सामने पेश किया जाए फौरन। उन्हें जाकर पैगाम दो
कि हम उनसे मिलना चाहते हैं अभी इसी वक्त। और एक बात का ख्याल रहे, यहाँ लौटो तो उन्हें साथ लेकर लौटना, वरना तुम्हारा सर कलम करा देंगे। जाओ। एक शहंशाह को कभी नींद में समझने की भूल मत कीजिएगा। शहंशाहों की नींद बड़ी कच्ची होती है, परंतु आपकी बेगम को अपने कक्ष में जाना है। और शहंशाह को ये बात भी हरगिज पसंद नहीं है कि कोई बिना इजाजत के उसके हुजूर से चला जाए। अब हमारे हुक्म को नजरअंदाज कर रही हैं। आप शायद भूल रहे हैं शहंशाह, बेगमों को आदेश नहीं दिया जाता, उनसे मनुहार की जाती है। आपकी इसी अदा के तो हम गुलाम बन चुके हैं। आप शायद ये बात भी भूल रहे हैं, आप ही ने गुलामी प्रथा को भी समाप्त किया है। और वैसे भी आपका स्थान हमारे पैरों में नहीं, हमारे हृदय में है शहंशाह। हम वाकई आपके गुलाम हैं जोधा बेगम, क्योंकि एक इकलौती आप ही हैं जो हमारे रसूख से नहीं, हमारे दिल से मोहब्बत करती है। अब हमें आज्ञा दीजिए। हम आपसे इल्तिजा करना चाहेंगे कि आप यहाँ रुक जाएं। आपकी बेगम ने आपकी ये विनती स्वीकार करी। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, मोतीबाई जोधा बेगम से मिलना चाहती हैं। एक बेहद जरूरी काम है। शहंशाह, हम अभी उपस्थित होते हैं। मोती, ये क्या करती हो तुम? शहंशाह का कक्ष है, बिना उनकी आज्ञा के उनके विश्राम में बाधा डालना ठीक नहीं ना? हमें पता है जोधा, परंतु रुकैया बेगम ने आपके लिए संदेश भिजवाया है, वो तुरंत आपसे मिलना चाहती है। वो गर्भ से है तो मलिका आजम भी चाहते हैं कि आप वहाँ उपस्थित रहें। ठीक है, हम अभी आते हैं। अब ऐसा क्या मसला था कि मोतीबाई खलल डालने आ गई? हमें जाना होगा शहंशाह। शहंशाह, रुकैया बेगम ने बुलाया है, थोड़े समय में फिर से आते हैं आपके पास।